सो गाइज वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से खेलने वाले कैसल क्रैश। तुम लोग को पता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसे खेलकर तुम असली में पैसा कमा सकते हो, यानी कि रियल मनी। ठीक है, ये एक क्रिप्टो गेम है। जो भी मेरे बैटल स्टार्स, चुबा, फ्री फायर, जो भी हम गेम खेलते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो नहीं जानते होंगे इस गेम के बारे में, मैं अपना यूट्यूब का जो जर्नी है मैं इसी गेम से स्टार्ट किया था और मैं आज वही गेम फिर से यहाँ पे बहुत दिन बाद खेलने वाला हूँ। मतलब एक हफ्ता पहले हम टूर्नामेंट का इसका वीडियो डाले थे। तो अगर तुम लोग को नहीं पता है कि इसमें गेम खेल के कैसे पैसा कमाते हैं तो बोलना। तुम लोग, हम वैसे बता चुके, तुम लोग अगर मेरा वीडियो जो चेक किया होगा या जो ये गेम खेलते तो उसको पता होगा कि इस गेम से खेल के कैसे पैसा कमाते हैं। तो अगर तुम लोग को नहीं पता है तो बोलना, हम नेक्स्ट अगर लाएंगे जल्द से जल्द। हम सोच रहे हैं कि एक बार जो है ना सबको हम बताएं कि भाई कैसल क्रैश गेम खेल के, यानी कि NFT गेम खेल के तुम लोग कैसे पैसा कमा सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है खेलने वाले हैं, इसमें यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लेजेंडरी वाला कार्ड जिसमें कि वेलकारी कार्ड है और एक नकलची बंदर टाइप का कार्ड है। ठीक है, जिसका नाम है मेटामॉर्फ। ये मेटामॉर्फ जो है हमेशा किसी न किसी का कॉपी कर लेता है, मतलब किसी का भी नकल कर लेता है। ये एक ऐसा कार्ड है। और अभी यहाँ पे देखो भाई, ये सामने वाला जो बंदा, ये फुल्ली जो है OT डेक यूज कर रहा है, मतलब स्पेल वाला जो कार्ड होता है। स्पेल यानी कि ये अपने एरो यूज करता है, साथ में आग जलाने वाला जिसको बोलता है फायर यूज करता है, इन्फेर्नो, और बहुत सारा ऐसा ऐसा मतलब यहाँ पे कार्ड इस वाले गेम में बना हुआ है जो कि यूज करता है। तो इस गेम को खेलने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो, जैसे तुमको मेरा नाम दिख रहा होगा, लेवल 13 है, ऊपर में SSG सौरभ। तो मैं अपना कोई भी कार्ड जो है अपने उस घर से भेज सकता हूँ और मैं स्टिकर भी यूज कर सकता हूँ, जैसे इस तरह से मैं स्टिकर यूज कर रहा हूँ। और जो भी सामने वहाँ पे मेरे सामने जो वहाँ पे लेवल 12 का जो अपोनेंट है जिसका नाम है डबल अगली, और उसका क्लैन का नाम है, यानी कि क्लैन मतलब गिल्ड, U-PET-2-WIN। तो भाई हम तुम लोग को बेसिक में बता रहे हैं। हम जानते हैं भाई, जो भी मेरे कैसल क्रैश के सब्सक्राइबर है उसको पता है, बट जो कैसल क्रैश नहीं खेलते हैं उसको नहीं पता होगा। तो इसमें भाई यहाँ पे जो है ना NFT होता है, जैसे कि यहाँ पे NFT वाला तुम लोग को बहुत सारा गेम प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे तुम अभी ड्रैगन देख रहे हो ना, ये जो हम ड्रैगन को उतारे हैं, तो अगर ये मेरा ड्रैगन इस वाले ID में NFT होता तो ये मेरा ड्रैगन चमकता, ये थोड़ा पिंक टाइप का कलर का तुमको दिखता। और ड्रैगन अगर तुम्हारे पास खुद का होता तो तुम जो है उससे ACS कमा सकते थे, और ACS से जो है तुम उसको क्रिप्टो में चेंज करके उसके बाद तुम अपना रियल मनी उसमें चेंज कर सकते थे। बट भाई सीन क्या है कि इस ये गेम है सबसे मस्त, बहुत बढ़िया, बेस्ट NFT गेम है। इसको NFT गेम बनाया है कि भाई तुम गेम खेल के पैसे कमा सकते हो, क्योंकि डेवलपर्स ने कभी इसमें अपडेट दिया नहीं था। तो अभी भी यहाँ पे अपडेट कुछ नहीं है, तो इसलिए जो भी अगर तुम अगर NFT इसमें अगर खेलोगे तो तुमको कोई खास पैसा इसमें बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन तुमको बहुत ज़्यादा खेलना होगा। लेकिन जिसको ये गेम खेलने में मज़ा आता है तो वह मज़े के लिए खेल सकता है और उसको थोड़ा बहुत पैसे भी हो जाएंगे। लेकिन तुम जो सोचोगे कि इसमें ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा पैसा वाला भी कोई भांज नहीं है, क्योंकि भाई ज़्यादा पैसा तभी होता है जबकि तुम्हारे गेम में हमेशा अपडेट आते रहता है। और अभी जो यहाँ पे ACS का जो वैल्यू है वो काफ़ी लो में चला गया है, क्योंकि पर डे का डेली AP बहुत मिलता था, बट अभी का डेली AP का ACS का वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है। तो ACS मतलब एसेंशिएशन क्रिस्टल होता है, इस गेम को खेलने पर ACS मिलता है। तो उसी ACS को जो है मतलब इस जैसे कि जैसे तुम मानो हम फिनिक्स, ये जो पंछी वाला कार्ड देखो उसका नाम है फिनिक्स, तो अगर तुम इस वाले कार्ड, ये लेजेंडरी कार्ड है, तो अगर ये मेरे पास NFT होता तो ये फिनिक्स चमकता। तो NFT वाला तुम गेम प्ले देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो बनाया, लिंक भी मिल जाएगा तुम लोग को, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो NFT से गेम प्ले किया है। तो अगर तुम फिनिक्स से खेलते हो तुमको एक दिन का 24 AP मिलता है, तो 24 AP में तुमको जो 48 ACS पहले मिलता था, यानी कि उसका दुगना ACS मिलता था, बट अभी भाई दुगना से भी बहुत डाउन, 0.9 पता नहीं कितना ACS मिलता है। तो बहुत दिन से खेले भी नहीं थे। तो यहाँ पे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मैक्सिमम लोग मेरे कैसल क्रैश का गेम प्ले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि कैसल क्रैश का वीडियो लाओ सर भाई। तो हम जो है यहाँ पे ये भी गेम खेल रहे हैं, जब तक ये गेम है तब तो हम लोग कभी कभी यहाँ पे गेम प्ले लाएंगे ही। तो पिछला वाला जो वहाँ पे बैलगाड़ी टूर्नामेंट था, हम लोग टूर्नामेंट का वीडियो लाए थे, उसके बाद जो हम लोग आज यहाँ पे ये वाला गेम प्ले खेल रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे देख लो ये ब्लैक विच यूज किया और साथ में ये स्पेक्चर है कि अपना पूरा स्केलेटन कार्ड को यूज करके जो एक बड़ा रंग का स्पेक्चर भी बना सकता है। और यहाँ पे स्टिकर भी देखो सामने यूज कर रहा है, हम भी यूज किए थे। तो यहाँ पे काफ़ी फनी गेम प्ले और काफ़ी अच्छा से तुम एक दूसरे का यहाँ पे वेल प्लेड गुड गेम हेलो कर सकते हो। और एक जेस्टर वाला स्टिकर है, किसी को दिखा के तुम उसको चिढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ है। तो ये गेम स्टार्टिंग से मेरा पहला एंड्रॉयड गेम था, जो कि अभी भी ये गेम है और मेरे को अभी भी खेलने में सही लगता है। बट इसका कम्युनिटी थोड़ा सा हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कम्युनिटी उतना अच्छा नहीं था, तो हमको भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि हम स्टार्टिंग से और इस गेम के ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट ट्रैक किए हैं। तो वैसे मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि तुमको आज का ये वाला वीडियो कैसा लगा। और बहुत दिन के बाद हम लोग कैसल क्रैश का वीडियो लाए हैं, तो मेरे जितने भी कैसल क्रैश के सब्सक्राइबर हैं, शायद वो अभी होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, बट मैं एक हफ्ता में कभी कभी हम यहाँ पे वीडियो लाएंगे। और चैंपियन
अब इसमें चैंपियन लीग होता है, चैंपियन लीग अगर तुम कंप्लीट करोगे यानी कि जैसे तुम अभी मेरा ट्रॉफीज देख सकते हो 5207 ऊपर में ट्रॉफीज मेरा नाम के सामने लिखा है। तो हम अगर इस सीज़न जो है 7 दिन बचा सीज़न इंड होने में, तो अगर इस हफ्ते के अंदर अगर हम 6200 ट्रॉफीज करते हैं तो हमको वहाँ पे 450 ACS मिलेगा यानी कि 450 ACS मिलेगा, जिसके हेल्प से हम वहाँ पे कुछ NFT कार्ड रेंट कर सकते हैं या हम उस ACS को हम जमा करेंगे। तो अभी जो 6-7 हज़ार ACS बराबर तुम्हारा 1000 रुपया होता है, ठीक है, तो 1 AVAX बनेगा। तो AVAX का वैल्यू जो है तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो कि AVAX क्रिप्टो का इंडियन रुपीज़ में कितना वैल्यू होता है। तो हम जानते हैं भाई, बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे कि मतलब AVAX क्या होता है। तो AVAX एक क्रिप्टो करेंसी होता है, ये गेम उसी पे है कि उसी तरह से तुम पैसे कमा सकते हो क्रिप्टो करेंसी के मदद से। तो हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं और बहुत सारा गेम प्ले, अगर तुम मेरा जितना भी पिछला वीडियो है ना कैसल क्रैश का अगर तुम देखोगे तो हम जिसमें कि वहाँ पे खास करके वॉइस ओवर किए हैं, तुम लोग को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तुम लोग को बस वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो वैसे हम सोचे हैं, देखते हैं भाई, हमको टाइम मिलता नहीं क्योंकि हम अभी कहीं दूसरे जगह चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉइस ओवर वाला जो थोड़ा कुछ डिले भी हो सकता है, वॉइस ओवर वाला वीडियो तुम लोगों को कम भी देखने के लिए मिल सकता है। बट जितना हमको टाइम मिलेगा तो उतना हम वॉइस ओवर वाला गेम प्ले लाएंगे ही, और कैसल क्रैश गेम प्ले तो लाते ही रहेंगे, तो दिक्कत वाला बात नहीं है। बट और सब भी भाई गेम वेम लाते हैं, थोड़ा सपोर्ट किया करो एटलीस्ट तुम्हारे भाई को। और अभी भाई यहाँ पे देखो मैच काफ़ी ख़तरनाक हो गया है, और ये लेवल 10 का जो है यहाँ पे, इसको हम एटलीस्ट यहाँ पे हम मार ही देंगे, इसको यहाँ पे इसका जो घर को मार ही देंगे। तो हम यहाँ पे फायर एलिमेंटल यूज़ करते हैं, और फायर एलिमेंटल बहुत ही ख़तरनाक इफिक कार्ड है, ये एक बार में जो है 200+ का डैमेज दे ही देता है। तो इसके साथ भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे मैच हो गया फिन, और +24 ट्रॉफी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमको यहाँ पे आज खेले थे विक्ट्री चेस्ट के लिए, और भाई तुम लोग को दिखा रहे थे कि मेटामॉड पे जो ये है ये नकलची कितना काम का चीज़ है भाई, एक दूसरे का कॉपी करके बहुत बड़ा बड़ा ये लेजेंडरी तक का कॉपी कर लेता है। तो इस तरह से तुम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मैच विन कर सकते हो। और उसके बाद भाई यहाँ पे जो एक गेम प्ले और हुआ था यहाँ पे, ये हम थोड़ा सा स्पीड कर दिए 2x स्पीड में तुम लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे, कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे भाई ये बंदा काफ़ी सामने वाला काफ़ी मस्त खेला था गेम प्ले, लेकिन इसको जो है फिर भी हम यहाँ पे टिकने नहीं देंगे क्योंकि भाई हम यहाँ पे डेक ही इस तरह से यूज़ कर रहे हैं ना, कि मतलब एक बार में जो है मेटामॉर्फोसिस ये तो कोई नकल कर दिया, तुरंत बैलगाड़ी बना लिया। हाथ में जो है भाई ये कुल्हाड़ी लेके, ये जो फीमेल कैरेक्टर वाली जो आ रही है इसका नाम बैलगाड़ी है, और साथ में एक इंचेंटर, ये जब भी उतरेगा तुमको जो धकेल देगा, ठीक है। और उसके बाद एक ब्लैक नाइट जो तुम देख सकते हो, वो काफ़ी गंदा डैमेज देता है, अटैक भी काफ़ी खतरनाक। और अगर तुम NFT अगर तुम्हारे पास होगा तो NFT भाई वो तो भाई उसके बारे में पूछो ही मत, वो लेवल 10 हो जाएगा। और देखो भाई यहाँ पे जो है हम कॉपी कर लिए फिर से, लेकिन ये बंदा यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिमोन यूज़ कर दिया, और डबल डिमोन यूज़ कर दिया, और हम यहाँ पे फिर से ड्रैगन उतार दिए, तो मेरा फिर से यहाँ पे भाई मेटामॉर्फाया फिर से ड्रैगन बन गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, वो बोले भाई तुम लोग के साथ भी शेयर करना, क्योंकि काफ़ी मज़ा आया खेलने में, रियली बता रहे हैं। बिना NFT का भी जो यहाँ पे कम लेवल का ट्रॉफी में मज़ा आता है रियली। तो तुम लोग कमेंट में बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।